शुरू में मेरा तबीयत बहुत कंडीशन खराब थी। जब यहाँ मेरे बेटे ने एडमिट किया और जब से डॉक्टर और नर्सेज लगे दवा दूसरा भी हिस्से इम्प्रूव होना शुरू हो गया। मेरा नाम डॉक्टर नोएल खाल्सो है और अभी मेरे फादर इन लॉ हैं जिनका नाम मिस्टर पीपी टिग्गा है। इनकी एज है 64 ईयर्स। हम लोग फ्राइडे को आई थी, तबियत ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, अचानक से इनको बहुत दिक्कत स्टार्ट हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने फिर डॉक्टर अत्री कर्मोपाध्याय से कॉन्टैक्ट किया फ़ोन पर, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे पास में हो आप आ जाइए। हम लोग इनको लेकर एमरजेंसी में आए और उन्होंने फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और इनकी रिपोर्ट जो थी वो काफ़ी ख़राब थी, किडनीज लंग्स हार्ट्स सब कॉम्प्रोमाइज हो रहा था इनका। इनको बेसिकली एक्चुअली किडनी में स्टोन था पहले से, उस कारण से इन्फेक्शन उनका काफ़ी बढ़ गया और सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में इन्फेक्शन फैल गया और सारे सारा ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा। उन्होंने मेडिकेशन स्टार्ट किया, एडमिट किया और प्रॉब्ली नेक्स्ट डे ही इनका जो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत बेटर हो गई और उसके बाद फिर मेडिसिन सारा चला और प्रॉब्ली आज फिफ्थ डे है। इनकी हालत अच्छी है और इनको डिस्चार्ज किया गया। मेरा नाम है पीपी टिग्गा और मेरा घर है काके। जब मैं यहाँ शुरू में मेरा तबीयत बहुत कंडीशन खराब थी, जब यहाँ मेरे बेटे ने एडमिट किया और जब से डॉक्टर और नर्सेज लगे दवा दूसरा भी हिस्से इम्प्रूव होना शुरू हो गया और यहाँ के डॉक्टर और नर्स को मैं थैंक्स करता हूँ। पल्स हॉस्पिटल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, हेल्थ डिपार्टमेंट जो इन्होंने इनका केयर किया काफ़ी अच्छा है, वेरी रिस्पॉन्सिव। नर्सिंग डिपार्टमेंट हो या फिर ट्रेनिंग हो, डॉक्टर्स हो, हर कोई काफ़ी हेल्पिंग है और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देता है। मैं पल्स हॉस्पिटल को थैंक्स बोलना चाहूँगा एंड यहाँ के सारे डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर तिग्गा कर्मोपाध्याय को थैंक्स बोलना चाहूँगा, सारे नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड एवरीबॉडी जो जिन्होंने मेरे फादर लोग की हेल्प की, उनकी देखभाल की, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा।